हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इंजन वाल्व क्या होता है और आपने कई बाइकों पर 4V, 4 वाल्व या 2 वाल्व लिखा हुआ देखा होगा। इसका क्या मतलब होता है अगर आपको अभी तक नहीं मालूम है तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर बाइक के इंजनों में 2 वाल्व का प्रयोग होता है, लेकिन अब हाई स्पीड या ज़्यादा सीसी के इंजनों में 4 वाल्व का प्रयोग हो रहा है। आइए जानते हैं इंजन वाल्व होता क्या है। इंजन वाल्व एक ढक्कन की तरह कार्य करता है जिसके द्वारा एयर या एयर फ्यूल का मिक्सचर इंजन के सिलेंडर में प्रवेश करता है और फ्यूल बर्न होने के बाद फिर सिलेंडर से धुआं बाहर वाल्व के द्वारा निकल जाता है। वाल्व दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इनलेट वाल्व, सेकंड एग्जॉस्ट वाल्व। बहुत से इंजनों में 2 वाल्व का प्रयोग होता है और बहुत से इंजनों में 4 वाल्व का प्रयोग होता है। दोस्तों, अब हाई स्पीड के इंजनों में या ज़्यादा सीसी के इंजनों में 4 वाल्व का प्रयोग किया जा रहा है। 4 वाल्व के इंजन में 2 इनलेट वाल्व और 2 एग्जॉस्ट वाल्व होता है, जबकि 2 वाल्व के इंजन में 1 इनलेट वाल्व और 1 एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं 4 वाल्व के इंजन में और 2 वाल्व के इंजन में क्या अंतर होता है। जब हम हाई स्पीड पर होते हैं तो हमारे पास टाइम कम और सिलेंडर का एरिया ज़्यादा होता है। 4 वाल्व होने की वजह से एयर या एयर फ्यूल का मिक्सचर अधिक से अधिक मात्रा में सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है और फ्यूल अच्छी तरह बर्न होता है, जिससे कि इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जबकि 2 वाल्व के इंजन में वाल्व कम होने की वजह से हाई स्पीड पर इंजन की एफिशिएंसी कम होता है। 4 वाल्व के इंजन में हल्के और छोटे वाल्व का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कैमशाफ्ट पर प्रेशर कम पड़ता है। दोस्तों, 4 वाल्व होने की वजह से 4 वाल्व इंजन का डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जबकि 2 वाल्व इंजन में 2 वाल्व होने की वजह से डिज़ाइन सिंपल होता है। 4 वाल्व इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होता है, जबकि 2 वाल्व इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट लो होता है।